ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, तो अभी हमने क्या किया था बोले तो डायनामाइट्स में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में देखे थे। अभी हम क्या करेंगे बोले तो एक्टिनाइट्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे फॉर्मेशन होता है बोलते हम देखेंगे। अगर हम एक्टिनाइट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या है बोले तो इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन लैंथेनाइट्स। से क्या है बोले तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कौन से भी एलिमेंट्स को कॉम्प्लेक्स करने के लिए बहुत फॉर्मेशन जल्दी हो कंपेयर टू द लैंथेनाइट्स। ओके, तो नेक्स्ट क्या है बोले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोले तो इफ यू गोइंग डाउन द ग्रुप क्या होता है, इफ यू मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है बोलते हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बोले तो द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली एक्टिनाइट्स आर लोअर देन अर्ली लैंथेनाइट्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मतलब तो ये क्या है बोले तो पीरियड टेबल। ओके, सो दिस इज लैंथेनाइट्स, दिस इज एक्टिनाइट्स। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बोले तो अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो जो भी हमारा स्टैटिक एक्टिनाइट्स है और जो भी हमारा स्टैटिक लैंथेनाइट्स है, यहाँ पर क्या हो रहा है बोले तो एक्टिनाइट्स से थोड़ा कम क्या है बोले तो लैंथेनाइट्स है। क्यों लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करें तो लैंथेनाइट्स का क्या है बोले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है। क्यों है बोले तो क्योंकि यहाँ पर जो भी लैंथेनाइट्स में क्या होता है बोले तो फाइव इलेक्ट्रॉन्स को वो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो इसकी वजह से क्या बोले तो लैंथेनाइट्स का लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो अगर हम एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो जैसे हमने लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की बात की है मतलब कैसे जो भी एक्चुअली वो डिक्रीज होता है ना, जो लैंथेनाइट से लुटेशियम तक उसका एनर्जी डिक्रीज होता है ना, उसको हम बोलते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बोले तो एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन मतलब थोरियम से डायरेक्शन तक जो भी एनर्जी डिक्रीज होता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट तो तब क्या होता है बोले तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होता है बोले तो ज्यादा रहता है। क्यों रहता है बोले तो क्योंकि जो लैंथेनाइट में क्या रहता है बोले तो फाइव इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो इसकी वजह से क्या होता है बोले तो कंपेयर टू द एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज द ग्रेटर बाय एलिमेंट टू द एलिमेंट। ओके, तो उसके बाद क्या होता है बोले तो क्योंकि ये क्या हो गया लैंथेनाइट्स में क्या हो रहा है बोले तो फाइव इलेक्ट्रॉन्स फिल अप हो गए। अगर हम एक्टिनाइट्स की बात करें तो वहां पर क्या होता है बोले तो जो भी जो न्यूक्लियर चार्ज है वो लैंथेनाइट्स से बहुत कम रहता है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बोले तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनाइट्स। तो क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्टिनाइट्स के बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है बोले तो जो भी एक्टिनाइट्स है ये सारे क्या है बोले तो रेडियोएक्टिव है। ओके, जो भी जितने भी एलिमेंट्स है एक्टिनाइट्स में वो सारे क्या होता है बोले तो रेडियोएक्टिव है। ओके, उसके बाद क्या है बोले तो अगर इसके कलर की बात करें तो यह क्या है बोले तो दे आर सिल्वरी मेटल्स। ओके, ये सभी क्या है बोले तो सिल्वरी मेटल्स है। नेक्स्ट क्या है बोले तो दे आर हाईली रिएक्टिव इन फाइनली रिवर्टेड। तो ये क्या होता है बोले तो जो भी एक्टिनाइट्स है ओके तो ये क्या है बोले तो हाईली रिएक्टिव होता है जब उसका फाइनली जो पार्टिकल्स रिवर्ट करते हैं ना, तो तब क्या होता है बोले तो दीज एक्टिनाइट्स आर द हाईली रिएक्टिव आई मीन एक्सप्लोसिव। ओके, तो थर्ड तो फोर्थ पॉइंट क्या है बोले तो दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सो दीज आर द पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बोले तो दे फॉर्म ऑक्सीडेशन इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो एक्टिनाइट्स क्या है बोले तो इसमें भी ज्यादा के तरह ज्यादा ऑक्सीडेशन से फॉर्मेशन होते हैं। ओके, तो सारे यहाँ पर क्या है बोले तो सारे जो भी एक्टिनाइट्स हैं सारे एक्टिनाइट्स क्या होता है बोले तो ये कलर आयन्स है। ओके, तो उसके बाद क्या है बोले तो अगर हम एक्टिनाइट्स की बात करें तो ये क्या होता है बोले तो पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। पाई का मतलब क्या होता है बोले तो डबल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड हो रहा है तो हम बोलते हैं सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, अगर डबल बॉन्ड हो रहा है तो हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो ये कैसा रहता है बोले तो जो भी एक्टिनाइट्स है ये क्या होता है बोले तो पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ओके, सो यहाँ पर क्या लास्ट पॉइंट क्या है बोले तो जो भी एलिमेंट्स यूरेनियम यानी जो भी एटॉमिक नंबर 92 यानी यूरेनियम के पास जो भी एलिमेंट्स है उसको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं। ओके, तो ये क्या है बोले तो सिंथेटिक एलिमेंट्स है मतलब ये ऐसा सिंथेटिक एलिमेंट्स है, नहीं तो क्या होता है बोले तो मैन मेड एलिमेंट्स है मतलब जो आदमी ने डिस्कवर किया है। तो जो भी 92 जो भी यूरेनियम 92
मैग्नेटो के बाद जो भी एलिमेंट्स आते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम, और उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो सिंथेटिक एलिमेंट्स या मैनमेड एलिमेंट्स बोल के हम बुलाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बोले तो डिफरेंस बिटवीन एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मास के लिए कहीं तो करके 2 मास के लिए भी आपको पूछता है। ओके तो एक तरफ क्या है बोले तो लैंथेनाइड्स है, एक तरफ क्या है बोले तो एक्टिनाइड्स है। अगर आपको 3 मास में पूछे तो आप क्या करना बोले तो टोटल 4 पॉइंट्स लिखना। ओके तो अगर आपको 2 मास में पूछे तो आप क्या करना बोले तो 3 पॉइंट्स लिखना। तो यहाँ पर क्या होता है बोले तो लैंथेनाइड इसको बोलते हैं बोले तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू 4s ऑर्बिटल होता है ना उसको उसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड्स। अगर हम एक्टिनाइड्स की बात करें तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू 5f ऑर्बिटल, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बोले तो द इलेक्ट्रॉन्स इज एंटर इनटू द 4f ऑर्बिटल, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है बोले तो द इलेक्ट्रॉन्स इज एंटर इनटू द 5f ऑर्बिटल, यहाँ पर 4f यहाँ पर 5। ओके तो नेक्स्ट क्या है बोले तो अगर हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज लेस, अगर हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या है बोले तो लेस है कंपेयर टू द एक्टिनाइड, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बोले तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज लेसर एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर, 2 पॉइंट्स हो गए। तो उसके बाद क्या है बोले तो दे आर लेस बेसिक, क्यों, क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है बोले तो यहाँ पर लेस है तो इसकी वजह से दे आर लेस बेसिक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बोले तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है बोले तो ज्यादा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है बोले तो दे आर मोर बेसिक। ओके तो यहाँ पर क्या हो रहा है बोले तो 4f इलेक्ट्रॉन्स हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है बोले तो जिस जो भी एलिमेंट्स क्या होता है बोले तो यहाँ पर 4f है तो 4f ऑर्बिटल की वजह से क्या हो रहा है बोले तो दीज आर दी ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बोले तो 5f है, मतलब 4f के बाद 5f आता है ना, तो जिस ऑर्बिटल जिस एलिमेंट्स का क्या होता है बोले तो साइज कम रहता है वो क्या रहता है बोले तो ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट रहता है। तो अगर हम लैंथेनाइड्स की बात करें तो यहाँ पर 4f इलेक्ट्रॉन सेंटर्ड है तो इसकी वजह से इसे दिखा दे ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या है बोले तो 5f इलेक्ट्रॉन्स है तो 5f इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है बोले तो इसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ओके तो अगर हम लैंथेनाइड्स की बात करें तो ये सारे क्या है बोले तो नॉन रेडिएटिव है, लेकिन अगर हम एक्टिनाइड्स की बात करें तो सारे एक्टिनाइड्स क्या है बोले तो रेडियो एक्टिव। ओके तो लास्ट पॉइंट क्या है बोले तो जो भी लैंथेनाइड्स है ये डू नॉट फॉर्म ऑक्सो कैटेलिन्स, ऑक्सो कैटेलिन्स मतलब ऑक्सो मतलब क्या होता है बोले तो ऑक्सीजन ग्रुप, कैटेलिन्स का मतलब क्या होता है बोले तो पॉजिटिव चार्ज। ओके तो यहाँ पर क्या होता है बोले तो ये डू नॉट फॉर्म इन ऑक्सो कैटेलिन्स, लेकिन अगर हम एक्टिनाइड्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बोले तो दे फॉर्म इन ऑक्सो कैटेलिन्स। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मास के लिए। ओके हमारा नोट है, नोट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो अगर टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ओके अगर हम सारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की बात करें तो टंगस्टन इट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसका कितना है बोले तो मेल्टिंग पॉइंट का 3410। तो इसका हाइट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसकी वजह से क्या चलता है बोले तो ये जो भी बल्ब्स रहते हैं ना वहां पर क्या होता है बोले तो फिलामेंट की तरह यूज करते हैं, बल्ब रहते हैं ना वहां पर क्या करते हैं बोले तो फिलामेंट की तरह क्या है बोले तो फिलामेंट, तो वहां पर टंगस्टन यूज करते हैं ताकि ये मेल्ट ना हो सके। क्यों, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है कितना है 3410 डिग्री सेल्सियस है, तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं बोले तो बल्ब्स में यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट क्या है बोले तो मरकुरी, मरकुरी हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ओके तो मरकुरी का क्या है बोले तो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये -38 डिग्री सेल्सियस है। ओके तो इसकी वजह से क्या करता है बोले तो जो भी थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर यानी हमारा बॉडी टेम्परेचर ये करते हैं और हमारा जो बीपी एएनएस जो भी हमारा बीपी ए करते हैं मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, तो वहां पर भी क्या होता है बोले तो मर्क्यूरी यूज करते हैं ताकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बोले तो बहुत कम है। ओके ये दोनों थोड़ा याद रखो। तो नेक्स्ट क्या है बोले तो यूजेस ऑफ एक्टिनाइड्स, तो कहां पर हम एक्टिनाइड्स यूज करते हैं बोल के हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम कहां पर यूज करते हैं बोले तो थोरियम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्यूरल्स। ओके नीडेड फॉर एटॉमिक रिएक्टर्स, जो भी एटॉमिक रिएक्टर्स यानी जो भी न्यूक्लियर रहते हैं ना पावर प्लांट रहते हैं ना, तो वहां पर क्या करता है बोले तो जो बेस को अच्छा रहने के लिए क्या करता है बोले तो वहां थोरियम का रॉड लगाते हैं। ओके क्यों बोले तो क्योंकि जो थोरियम क्या है बोले तो ये क्या करता है बोले तो ये भी जो भी मैन्युफैक्चर ऑफ एटॉमिक रिएक्टर्स रहता है ना, जो मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या करता है बोले तो थोरियम हेल्प करता है।
मैटर्स मतलब जो बड़े बड़े रे रहते हैं ना कनाडा में रहते हैं इटैलियन के मतलब अर्थ हर नहीं मरते हैं तो जैसे हार्ड सब्सटेंस के यूज मार सब नहीं मरते हैं मतलब जरा थोरियम डाइऑक्साइड यूज मरते हैं ऐसा मतलब ये टेम्परेचर पर तुमने मार दिया तो जरा ब्रेक आग बार दो ओके तो नेक्स्ट क्या है बोले तो थोरियम साथ साथ यूज लेंगे कैंसर ट्रीटमेंट जो भी थोरियम फाउल्स है वो हम क्या करते हैं बोले तो कैंसर पेशेंट को हम ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं तो उसके बाद क्या करता है बोले तो यूरेनियम क्या है बोले तो इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी जो भी न्यूक्लियर एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं ना तो वहां पर क्या होता है बोले तो वहां पर जो न्यूक्लियर फिजन होता है ना वहां पर क्या होता है यूरेनियम यूज करते हैं ओके उसके बाद क्या है बोले तो यूरेनियम साथ साथ यूज इन द सिरेमिक्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज वेल एज मेडिसिन तो सिरेमिक्स मतलब जो ये बना रखते हैं ना डेकोरेशन के लिए कुछ आइटम्स रहते हैं ना उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और मेडिसिन में क्या करता है बोले तो एक्टिनाइड्स यानी जो भी यूरेनियम है वो क्या करता है बोले तो यूज करते हैं अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बोले तो यूजेस ऑफ डी एंड एफ तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हमने अभी पढ़ाई किए थे तो कहां कहां पर ये यूजेस होता है बोले हम देखेंगे ओके तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है बोले तो आयरन एंड स्टील आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ये सबको तो हमको पता है जो भी एक बिल्डिंग हम ये करते हैं ना जो हम वहां पर रॉड यूज करते हैं ना तो वहां पर रॉड क्या है इट्स ए आयरन तो यहां पर क्या होता है बोले तो इट्स ए यूजेस ऑफ डी ब्लॉक ओके तो नेक्स्ट क्या है बोले तो मैंगनीज डाइऑक्साइड सो मैंगनीज डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ड्राई गैस तो अगर हम मैंगनीज डाइऑक्साइड की बात करें तो यहां क्या ये क्या होता है बोले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं बोले तो अगर समझो कि एक एलिमेंट के ऊपर ये क्या है बोले तो मैंगनीज है तो मैंगनीज क्या है बोले तो प्लस टू चार्जेस है अगर इसके ऊपर हमको प्लस थ्री चार्ज करने का रहे तो हम उसको क्या करते हैं बोले तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं ताकि तब वो क्या करता है बोले तो प्लस टू आयन से प्लस थ्री आयन फॉर्मेशन होता है और ये ड्राई सेल्स ड्राई बैटरी सेल्स में भी यूज करते हैं ओके तो नेक्स्ट क्या है बोले तो जो पोटेशियम डाइब्रोमाइड एंड पोटेशियम परमाइड में ये दोनों क्या है बोले तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन दोनों में क्या है बोले तो अगर ये दोनों यूज करें तो प्लस टू से प्लस थ्री प्लस थ्री से प्लस फोर आयन हम इंटरचेंज कर सकते हैं ओके तो यहाँ पर क्या है बोले तो पोटेशियम एंड निकल आए जो भी दोनों और आए अगर हम उसको ये करें तो जो भी पॉइंट्स है वो पॉइंट्स मेकिंग के लिए यानी पॉइंट मैन्युफैक्चर करने के लिए हम NuNI यूज करते हैं ओके तो उसके बाद क्या होता है बोले तो थोरियम यूरेनियम एंड रोबिनियम तो ये तीनों एलिमेंट्स क्या करता है बोले तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब है तो अभी फिलहाल इसके पास है बोले तो जो अमेरिका वालों ने क्या किया बोले तो उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब अपने पास प्रिपेयर करके रखा है ओके तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब को प्रिपेयर करने के लिए क्या होता चाहिए बोले तो थोरियम यूरेनियम एंड रोबिनियम ये तीनों एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहां पर यूज करता है बोले तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब ओके इन द ईयर ऑफ 1946 में क्या हुआ बोले तो जो जापान में हिरोशिमा एंड नागासाकी में वहां पर क्या हुआ बोले तो न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था एक्चुअली यूएसए जो भी यूएसए आर्मी ने वहां पर क्या करा बोले तो जापान में हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्ब एरिया है वहां पर क्या हुआ बोले तो ज्यादातर लोगों को कैंसर अभी भी ये है ओके तो नेक्स्ट क्या है बोले तो सिरेमिक डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू फॉर्म ए क्रूक ग्लास तो क्रूक ग्लास का किसको बोलते हैं बोले तो अगर जो आदमी को स्पेक्स चाहिए रहता है ना तो स्पेक्स को अगर उसके स्पेक्स से जो भी आयर या यूवी रेडिएशन रहता है ना अगर उसके जो भी स्पेक्स रहते हैं ना उसके अंदर वो रेडिएशन नहीं जाता है तो इसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जो भी हार्मफुल रेडिएशन रहता है ना उसको अवॉइड करने के लिए यानी उसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या करते हैं बोले तो सिरेमिक डाइऑक्साइड का ये एक क्या करते हैं बोले तो स्पेक्स यूज करते हैं ओके ताकि वो जो भी हार्मफुल रेडिएशन है हार्मफुल रेज है वो हमारे आंखों के अंदर नहीं जा सके वो आप क्या करता है बोले तो जो स्पेक्स ऑब्जर्व कर सके ओके तो उसके बाद क्या है बोले तो TiCl4 विथ CH3Al जो यानी जिंगलर डाटा कैटलिस्ट है वहां पर क्या करता है बोले तो जो मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन जो भी हम पॉलीथीन यूज करते हैं ना वहां पर पॉलीथीन मैन्युफैक्चर करने के लिए जिंगलर डाटा कैटलिस्ट में भी क्या होता है बोले तो यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर खत्म होता है।
ओके okay.